बरौली अहीर के ग्राम पंचायत बिसारना के गांव ठार खजूर में उस समय की बात है जब कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी जन समस्या अधिकारियों ने नहीं सुनी। 2018 में कहर बरपाता हुआ आया था विकराल तूफान में। तूफान से विद्युत पोल टूट गए और विद्युत समस्या ग्रामीणों की भी उत्पन्न होती चली गई। विद्युत सप्लाई व पानी की समस्या ठप हो गई थी। उस समय से आज तक ठार खजूर में कोई अधिकारी और ना ही कोई प्रधान जन समस्या को लेकर आज तक गाँव में नहीं झांका। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि ठार खजूर में करीब 20 वर्ष प्रधानी के बीच जाने के बावजूद हमारे गांव में पानी व खरंजा नाली व बिजली की समस्या को आज तक किसी अधिकारी व प्रधान ने विकास नहीं कराया है। इस बात की शिकायत प्रधान से लेकर उच्च अधिकारियों तक करने के बावजूद भी कोई निस्तारण नहीं हुआ है। तभी हमने शिकायत सोशल मीडिया के संज्ञान में दी। तभी हमारे संवाददाता गजेंद्र तोमर गाँव में पहुंचे और ग्रामीणों की कई सालों की पुरानी जन समस्या को लेकर उन्होंने मौके पर जाकर ग्रामीणों से जानकारी। ग्रामीणों ने बताया कि 10 अप्रैल 2018 में हमारे क्षेत्र में जबरदस्त तूफान आया था जिसमें हमारे गांव की विद्युत सप्लाई ठप हो गई थी। उस दिन से हमारे गांव की समस्या बढ़ती गई और आज तक कोई अधिकारी इस गांव में झांकने तक नहीं आया। हमारा यही कहना है कि इस गांव में बिजली पानी और खरंजा नालियों जैसी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण हो, नहीं तो हम कुछ ही दिनों में आगरा फतेहाबाद मार्ग पर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। और कहा, जो भी प्रधान चुना जाता है वह वोटों की राजनीति करने लगता है, इसी कारण हमारे गांव में कोई विकास कार्य नहीं कराया जाता है। जन समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश नजर आ रहा है। बिजली ना होने के कारण गांव के छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं और महिलाओं और पुरुष को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इधर बेमौसम बारिश ने अपनी कमर कस ली है। लगातार बारिश होने के कारण हमारे गाँव के मुख्य मार्गों पर पानी भर जाता है। खरंजा और नाली न होने के कारण मुख्य मार्गों पर ही पानी भरा रहता है जिससे ग्रामीणों का आवागमन बाधित हो गया है और न ही इस गांव के तालाब की खुदाई हुई है। तालाब की खुदाई ना होने के कारण गांव के मुख्य मार्गों पर जल भराव आए दिन भरा रहता है, लेकिन अधिकारियों को जरा सा भी तरस नहीं आया और शायद अधिकारी इस बात को अपने संज्ञान में लेते तो शायद इस गाँव का विकास हो जाता। अब देखना यह होगा कि इस गाँव के ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक होता है या फिर इस गाँव के विकास के लिए ग्रामीण टकटकी लगाते रहेंगे या फिर ऐसे ही उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इधर देश में कोरोना महामारी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है जिससे हम मजदूरी करने के लिए भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। मजदूरी ना मिलने के कारण अपने बच्चों का भरण पोषण भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। उधर गांव की हालत खराब है, इसलिए हम सभी ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या का जल्द से निस्तारण हो। पानी की सुविधा नहीं है, खरंजा की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है। ये क्यों परेशानी नहीं है? क्योंकि ये प्रधान आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, कोई चीज की सुविधा नहीं करता है। और स्कूल वगैरह नहीं है बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। इस बात की आपने शिकायत की है किसी से? हाँ, प्रधान लोगों से कहते हैं और कोई सुनवाई करते नहीं। क्या कहते हैं वो लोग? करवा देंगे, हम ही भर लेते हैं और करवाते रहते नहीं। और किसी से शिकायत की है इस बारे में? क्या परेशानी आई फिर, किसे शिकायत की थी आपने? हेमलता प्रोडक्शन करी, शिकायत की, उन्होंने कोई चीज की सुनी। ऊपर अधिकारी और हैं, उन्होंने की, किसी ने नहीं शिकायत की। फिर अभी तक गांव में आए वो लोग? कोई नहीं आया देखने के लिए। आपको परेशानी साहब, पहले तो गली खरंजा की परेशानी सबसे बड़ी। कई पोत विधायक लोगों से शिकायत की है, प्रधानों से शिकायत की है, वो अपोजिट वाले जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं करते यहाँ पे। ये कब से परेशानी आ रही है आपको? ये आ रही है 25-30 साल से परेशानी साहब। फिर क्या कहते हो प्रधान लोग? कह जाते हैं, फिर कोई अधिकारी आता नहीं यहाँ पे देखने के लिए भी। किसी अधिकारी से शिकायत की थी इसके बारे में? शिकायत की थी। कहाँ पे की थी? मैं मनोवीर भैया तो कह आया ललता के पास में। ललता विधायक जी से करो फोन, मई गो वहाँ पे जा गए तो बिन्ने कहा यहाँ से चला जाए साहब ब्लॉक में, ब्लॉक तो कोई आदमी नहीं आया यहाँ पे। फिर आता नहीं कोई। और क्या 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 परेशानी आ रही है गाँव के अंदर में? और ये लट्ठा टूटे हैं। कब से टूटे हुए हैं ये? 11 अप्रैल 2018 से शिकायत करी वहाँ पे करी साहब, जहाँ पे धमोटा पे धमोटा शिकायत करी तो वे लोग मतलब अभी तक नहीं आए। क्यों, क्या बात, किस बात को? कह जाते हैं एक अधिकारी आया, दूसरा पैसे लेके चला गया। कितने पैसे लेके चला गया? 5000 रुपए लेगा साहब, उसका नंबर भी है, जनरा दे उसका नाम भी है। उसने यहाँ पे ट्रांसफार्मर रखेगा जब को, जब से आया नहीं साहब। अच्छा, हाँ। फिर अब क्या कहते हैं वो लोग? अब वो तो चला गया यहाँ से, वो तो फोन नहीं उठाता मेरा। अब तक अभी तक इस गाँव की कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं साहब, कोई अधिकारी नहीं आया इसमें। कहाँ की रहने वाली है?
का परेशानी आ रही है? जी परेशानी है ना तो लाइट ओ घर में तो निकलते तो बच्चा गिर पत में गिर पत कान गिर गिर के अब बताओ हम का करे फिर इसके बाद कारण से कह दो अधिकारी सुनते ना ने प्रधान वोट ले आवत तो तब तो पांच ही जाते हुए और नोरे पाते कहते वोट ले जाते फिर दोबारा देखे आवत फिर अब क्या परेशानी आ रही है? अभी परेशानी है कम से कम इतना तो यही है खरंजा तो यही है बिजली आई है कानंद बेरे हो बाद ना कबाब गिरी पर गेला में सुकानंद बेरो।